Hey guys, this is Mukul Sharma AKA Stufflistings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. और गाइस शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज मोटोरोला के साथ। मोटोरोला बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है अपने एक और नए 5G स्मार्टफोन को, जिसमें आपको स्टाइलस की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। मोटो जी स्टाइलस 5G जो स्मार्टफोन है, इसको आज मैंने Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे कर लिया है स्पॉट। और Geekbench की अगर हम माने तो इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, साथ में होगी 6GB रैम एंड ऑफकोर्स एंड्रॉइड 11। डब्बे से निकालते ही आपको मोटो जी स्टाइलस 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। इसके Geekbench कोर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और गाइस Xiaomi जल्दी ही अपने एक और नए वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च करने वाला है। इनका नाम होगा Xiaomi वायरलेस ईयरफोन्स। और ये जो ईयरफोन्स हैं, अभी कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया की टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे हो गए थे सर्टिफाई। आज मैंने इन्हीं सेम ईयरफोन्स को कर लिया है स्पॉट ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। तो लेके चलो ग्लोबल मार्केट में, एशियन मार्केट में, ऑफ कोर्स इंडिया में भी हमें Xiaomi के ये ब्रांड न्यू वायरलेस ईयरफोन्स जल्दी ही अब देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस OPPO जल्दी ही अपने एक और नए एंट्री लेवल A सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम होगा OPPO A16। तो गाइस OPPO A16 जो स्मार्टफोन है, आज थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये स्मार्टफोन भी सर्टिफाई हो गया। तो लेके चलो OPPO A16 स्मार्टफोन एशियन मार्केट्स में एंड इंडिया में अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और गाइस बात कर लेते हैं एक फ्लैगशिप सीरीज की, वीवो X70 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स के बारे में। आपको बताया था कि यार सितंबर में IPL के दौरान हमें ये सीरीज देखने को मिल सकती है। वीवो X70, 70 प्रो, 70 प्रो प्लस, ये तीनों स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं सितंबर में। अभी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि यार वीवो X70 जो स्मार्टफोन है, इसको मैंने स्पॉट कर लिया है आज IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे। नॉट जस्ट द ग्लोबल IMEI, इंडिया वाली जो IMEI डेटाबेस है वहां पे भी वीवो X70 स्मार्टफोन लिस्ट हो गया। तो लेके चलो इस सीरीज की इंडियन लॉन्च जो है, दैट इज ऑफ कोर्स नॉट टू फार अवे फ्रॉम नाउ। और ये जो मॉनिकर था वीवो X70 वाला, ये भी आज कंफर्म हो चुका है। एंड गाइस वैसे NBTC की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A22 जो स्मार्टफोन है, इसके 4G और 5G दोनों वेरिएंट्स आज थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो गए हैं। ये स्मार्टफोन इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। वैसे इंडिया की BIS पे तो ऑलरेडी इस स्मार्टफोन को स्पॉट करके हम आपको बता दिए थे, बट लेके चलो अब NBTC पे अगर कोई स्मार्टफोन आया तो उसके बाद किसी भी स्मार्टफोन की लॉन्च जो होती है वो होने वाली होती है। तो ये जो गैलेक्सी A22 स्मार्टफोन्स हैं, मतलब 4G 5G वेरिएंट्स हैं, ये बहुत जल्दी अब एशियन मार्केट्स में ऑफ कोर्स इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। एंड गाइस बात कर लेते हैं PUBG मोबाइल Battlegrounds मोबाइल इंडिया की। तो गाइस इसकी प्री रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, गेम भी बहुत जल्दी अनवेल होने वाली है। बट अभी के लिए इस गेम के डेवलपर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इंडिया में इस गेम को 20 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी प्री रजिस्टर कर लिया। तो लेके चलो बहुत तगड़ी हाइप है और ये गेम आने वाली है बहुत जल्दी। और अगर आपने अभी तक प्री रजिस्टर नहीं किया और अगर आप FOMO का शिकार नहीं होना चाहते, तो जल्दी से जाके आप Battlegrounds मोबाइल इंडिया के लिए अपने आप को प्री रजिस्टर कर सकते हैं। और गाइस Battlegrounds की हाइप तो बहुत ज्यादा है, प्री रजिस्ट्रेशन से ही पता चल रहा है। और इसी के चलते बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां इस हाइप को लेवरेज करने की ट्राई कर सकती हैं अपने स्मार्टफोन्स के लिए। और इसी सब के चलते नोकिया बहुत जल्दी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। आज नोकिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नोकिया C20 प्लस जो स्मार्टफोन है, ये 11th जून को लॉन्च होने वाला है। मतलब अगर आप ये Battlegrounds मोबाइल इंडिया को एक बहुत ही तगड़े प्रोसेसर के साथ, बहुत ही अच्छी रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ मतलब एंजॉय करना चाहते हो, तो नोकिया का ये स्मार्टफोन आपको 11th जून को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और गाइस ऑनर बहुत जल्दी अपनी ऑनर X20 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑनर X20 जो स्मार्टफोन है, इसकी फर्स्ट एवर एलिजिड लाइव हैंड्स ऑन इमेज भी लीक होगी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा दिखेगा ऑनर का X20 स्मार्टफोन। और ये सीरीज जो है, ये खाली चाइना में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में और प्रिज्यूमेबली हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। प्रिज्यूमेबली ठीक था, चलो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। और गाइस Asus जल्दी ही इंडिया में अपनी Zenfone 8 सीरीज AKA 8Z सीरीज को लॉन्च करने वाला है। और ये सीरीज लेके चलो आने ही वाली है, मतलब सेकेंड वीक ऑफ जून के आसपास आपको इस सीरीज के बारे में इंडिया में कुछ बातें सुनने को मिलने वाली हैं, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। अभी के लिए बताना चाहूंगा Asus Zenfone 8 जो स्मार्टफोन है, ये हमारी फेवरेट मलेशिया की SIRIM सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आज हो गया है सर्टिफाइड। दैट मींस यस, Asus Zenfone 8 सीरीज जो है, ये हमें एशियन मार्केट में भी अब जल्दी ही देखने को मिलने वाली है।
और गाइस बात कर लेते हैं नॉइस की. नॉइस ने एक नए बजट फ्रेंडली TWS को इंडिया में लॉन्च कर दिया है. इनका नाम है नॉइस एयरबड्स मिनी. नॉइस एयरबड्स मिनी में आपको अच्छी खासी ऑडियो क्वालिटी मिलेगी. यहाँ पे 14.2 मिलीमीटर का आपको मिलता है ड्राइवर, साथ में ट्रू बेस टेक्नोलॉजी है, साथ में अप टू 15 आवर्स की आपको टोटल बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी इनमें. और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो नॉइस के ये जो एयरबड्स मिनी है इनकी प्राइसिंग इंडिया में रखी गई है 1299 रुपीज से. ठीक एक हाजमोला कम में नॉइस के ये जो नए TWS है इनको आप इंडिया में आप खरीद सकते हैं. और गाइस वोवे ने फाइनली HarmonyOS 2.0 को अनाउंस कर दिया और एलिजिबल डिवाइसेस जो हैं वोवे के जिनमें HarmonyOS का ये लेटेस्ट टेबल वाला बिल्ड देखने को मिलेगा वो लिस्ट को भी वोवे ने लिस्ट कर दिया. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं एलिजिबल डिवाइसेस. इसके अलावा गाइस इस लॉन्च इवेंट में वोवे ने अपने मेटपैड प्रो 12.6 और साथ में मेटपैड प्रो 10.8 इन दोनों को भी लॉन्च कर दिया. इनकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग और ये दिखते कैसे हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. और इसके अलावा दो स्मार्ट घड़ियां भी लॉन्च की गई हैं, बहुत ही महंगी प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस हैं. इनके नाम है Huawei Watch 3 एंड ऑफ कोर्स Huawei Watch 3 Pro. और इसके साथ गाइस Huawei P50 सीरीज जो है जो कि सपोजिटली लॉन्च होनी थी इसकी लॉन्च को थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया गया. बट यस Huawei P50 सीरीज की फर्स्ट एवर ऑफिशियल लुक को Huawei ने शोकेस कर दिया. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये बड़ी-बड़ी आंखों वाले कैमरा मॉड्यूल वाला जो स्मार्टफोन है या रादर ये जो सीरीज है ये अब आपको बहुत जल्दी मार्केट में देखने को मिलने वाली है. और गाइस बहुत जमाने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यार निंटेंडो स्विच प्रो ये नया गेमिंग कंसोल जो है लॉन्च होने वाला है. और अभी तक वैसे निंटेंडो की तरफ से ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन इसके बारे में नहीं आई बट एक फ्रेंच रिटेलर ने ऑलरेडी निंटेंडो स्विच प्रो को कर दिया है लिस्ट अपनी वेबसाइट पे. तो लेके चलो निंटेंडो का ये जो स्विच बहुत ही पॉपुलर गेमिंग कंसोल है इसका प्रो वेरियंट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और इसकी प्राइसिंग होगी समवेयर अराउंड 35,000 रुपीज. तो अगर आप लेना चाहते हो निंटेंडो स्विच प्रो को अब इसकी लॉन्च लेके चलो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है. एंड गाइस गूगल जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपनी पिक्सल 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स. गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो इन दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ एलिजेड रेंडर्स जो है कुछ टाइम पहले लीक हुए थे आपको मैंने दिखाया था. बहुत ही यूनिकली लुकिंग ये दोनों स्मार्टफोन्स हैं. और गाइस आज इन दोनों स्मार्टफोन्स के जो केसेस होते हैं उनके रेंडर्स भी लीक हो गए हैं. और अगर रेंडर्स को हम ध्यान से देखें ये जो केसेस वाले हैं ये पुराने जो लीक रेंडर थे उनसे मतलब बिल्कुल मैच करते हैं. तो के चलो Google Pixel 6 और Pixel 6 Pro इन दोनों स्मार्टफोन्स के जो एलिजिट रेंडर लीक हुए थे वो ऑलमोस्ट सही है और आपको ऐसा ही डिजाइन Pixel 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाला है. और गाइस Realme ने अभी कुछ टाइम पहले अपने Realme X7 Max 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया था इंडिया में. और जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था इसमें आउट ऑफ द बॉक्स अप्रैल का सिक्योरिटी पैच था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर आपको याद नहीं है तो यार अप्स एंड डाउन्स वाली वीडियो पर लिंक लगा दूंगा जाके चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने बात की थी इसके बारे में. तो यार ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी थी कि एक सपोजेड फ्लैगशिप स्मार्टफोन में अभी भी एक पुराना एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच चल रहा है. बट यस Realme ने हो सकता है यहाँ पे सुन ली हम लोगों की और Realme X7 Max स्मार्टफोन में फाइनली मई एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है इसको Realme ने रोल आउट करना शुरू कर दिया. अभी भी ये लेटेस्ट नहीं है बट स्टिल अगर आप Realme X7 Max स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं सेटिंग्स मेन्यू में जाके अपडेट बटन को दबा के आप अपने X7 Max स्मार्टफोन को मई एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच के साथ अब सिक्योर कर सकते हैं. और गाइस Realme ने फाइनली ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि यार Realme GT 5G जो स्मार्टफोन है ये इंडीड लॉन्च होने वाला है यूरोपियन मार्केट में बहुत जल्दी और इसकी प्राइसिंग होगी समवेयर अराउंड 35,000 रुपीज अगर आप इसको सीधा सीधा कन्वर्ट करो. तो लेके चलो एक अच्छे खासे एग्रेसिव प्राइस टैग पे Realme GT स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है यूरोपियन मार्केट में. और इंडिया में तो इसकी प्राइसिंग जो है ये और भी एग्रेसिव होने के चांस है. और इंडिया के भी जो हेड्स हैं Realme के उन्होंने थोड़ा सा टीज वगैरह करना शुरू कर दिया. तो लेके चलो Realme GT स्मार्टफोन आपको इंडिया में भी जल्दी ही देखने मिल सकता है. और गाइस इसी स्टोरी पे एक अपडेट है Realme ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि यार Realme GT जो स्मार्टफोन है ये लॉन्च होने वाला है जून में ग्लोबल मार्केट में. और जुलाई में हमें Realme GT सीरीज का एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है ग्लोबल मार्केट में. माधव शेठ जी ने ट्वीट करके बोला कि यार सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि भाई Realme GT परफॉर्मेंस फ्लैगशिप तो लॉन्च हो रहा है इसी महीने. अगले महीने Realme GT कैमरा फ्लैगशिप जो फोन है ये भी ग्लोबल मार्केट में आने वाला है. तो लेके चलो कि यार Realme GT सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं. मैंने आपको बताया था ना Realme GT सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है. ये वही स्मार्टफोन है और हो सकता है हमें जल्दी ही ये स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिल जाए. और गाइस Vivo लॉन्च करने वाला है जल्दी ही इंडिया में अपनी Y सीरीज के एक और नए स्मार्टफोन को. Vivo Y73 इसका नाम है और ये स्मार्टफोन जो है इसमें आपको देखने को मिलने वाली है एमुलेट पैनल, ग्लास बैक होगी, साथ में आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा प्राइमरी कैमरा, 20K के आसपास इसकी आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी, 8GB प्लस 3GB आपको वर्चुअल रैम यहाँ पे देखने को मिलने वाली. और Vivo Y73 जो स्मार्टफोन है एक्सक्लूसिवली आपका भाई आपको बता रहे कि यार एक हफ्ते में लॉन्च होने वाला है. आज थर्ड है ना तो एक हफ्ता कितना हुआ. लॉन्च डेट आप खुद से गेस करके बता सकते हैं और
लेके चलो, अगर आपको एक मिड रेंज वीवो के स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है तो ये स्मार्टफोन आपको एक हफ्ते में इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और गाइस बात कर लेते हैं पोको और रेडमी की एक साथ। पोको का पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में और इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह आपको पक्का से देखने को मिल जाएगी। ये जो स्मार्टफोन था ना पोको M3 प्रो, ये रेडमी नोट 10 5G स्मार्टफोन का एक सपोजेड रीब्रांडेड स्मार्टफोन था और इंडिया में रेडमी नोट 10 5G जो स्मार्टफोन है वो कह रहे थे कि लॉन्च नहीं होगा। ऐसा नहीं है, पोको M3 प्रो तो आ रहा है। इसके अलावा रेडमी नोट 10 5G जो स्मार्टफोन है इसके इंडियन वेरिएंट को भी आज मैंने कर लिया है ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट। दैट मींस यस, रेडमी नोट 10 5G, पोको M3 प्रो, ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। लुक्स अलग अलग होंगी, अलबत्ता स्पेसिफिकेशंस आपको भैया सेम से मिलने वाली हैं। वैसे ये स्मार्टफोन कुछ मार्केट्स में एज रेडमी नोट 10T भी लॉन्च होगा और ये भी, ये जो मॉनिकर है इसको भी आज मैंने ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया है। अब यार ये जो तीन नाम है इतने अलग अलग अजीबो गरीब से, इन सारी चीजों को बगैर नीचे देखे मैंने आपको पढ़ के बताया। तो यस, अगर आपको एफर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। डू यू वांट ऑनर टू स्टार्ट लॉन्चिंग स्मार्टफोन्स इन इंडिया? यहां पे 74% लोग कह रहे हैं हां और 26% लोग कह रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए ऑनर के स्मार्टफोन्स। तो गाइस ये है कल का पोल। आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है, क्या है, क्या बोला था मैंने, क्या पूछूंगा इनसे मैं आज? हाँ, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो गेम आने वाली है, क्या आपने इसके लिए प्री रजिस्टर किया है कि नहीं? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और गाइस बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वंस अगेन, अगर आपने अभी तक स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट अवे। ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाइए और उसके साथ जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म वन प्लस के साथ। वन प्लस लॉन्च करने वाला है 10th जून को अपने OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन को, और लॉन्च से पहले ही OnePlus Nord CE स्मार्टफोन के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें पता चल गई हैं। पहली बात तो ये है कि यार OnePlus Nord CE स्मार्टफोन को मैंने Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे अप कर लिया है स्पॉट। 750G प्रोसेसर, 12GB RAM और साथ में Android 11 यहां पे कंफर्म हो गए via Geekbench। Geekbench कोर्स मैं आपको दिखा रहा हूं Nord CE स्मार्टफोन के स्क्रीन पे। इसके अलावा गाइस माय स्मार्ट प्राइस ने OnePlus Nord CE स्मार्टफोन की ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस को एक्सक्लूसिवली लीक कर दिया है। नोटेबली स्मार्टफोन में हमें 6.43 इंच की एमोलेड पैनल देखने को मिलेगी, 90Hz की होगी रिफ्रेश रेट और साथ में आपको देखने को मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 5 होल आपको यहां पे सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, फुल प्लास्टिक आपको बिल्ड देखने को मिलेगी और फ्रेम और बैक दोनों चीजें प्लास्टिक के होने वाले हैं। ऑफ कोर्स Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर, 6GB प्लस 64GB एंड 8GB प्लस 128GB यहां पे माय स्मार्ट प्राइस क्लेम कर रहा है कि आपको रैम स्टोरेज वगैरह देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा 64MP प्लस 8+2 का आपको मिलेगा रियर कैमरा सेटअप, 16MP का होगा सेल्फी स्नैपर, 4500mAh बैटरी और साथ में 30W की आपको मिलने वाली है फास्ट चार्जिंग। प्राइसिंग की बात करें तो एज आई सेड अर्लियर ये स्मार्टफोन आपको समवेयर अराउंड 25,000 rupees का इंडिया में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस ये थी आज की टेक न्यूज़। आई होप आपको आज की वीडियो भी हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, बातें भूलते रहिए, सदा ऑसम रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद।